नमस्कार, प्रभास अक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में 25,000 महिलाओं की उपस्थिति का लक्ष्य रखा था, लेकिन खास बात यह रही कि 25,000 से ज़्यादा महिलाएं यहां पे पहुंची हैं, जो दर्शाता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को। आइए जानते हैं जब महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने क्या कहा। आज प्रधानमंत्री जी का जो संवाद कार्यक्रम है उसको आप यहाँ पर उपस्थिति आपकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि महिलाओं से बात करने आ रहे हैं मोदी जी। तो उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं का बहुत उत्साह है। जी जी, और उत्साह तो है ही, और पूरा आप पूरा भाजपा में हो रखी हैं, तो पूरा माहौल यानी कि बनारस का भाजपा में ही है। जी, मोदी जी आते तो भाजपा में हो ही जाता है। और मोदी जी की इतनी बड़ी प्रशंसक क्यों है, आप ये बताइए। मोदी जी की ये बात है कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। ऐसा नहीं कि काम बोले कि ये हो रहा है, चलो हो रहा नहीं, वो काम अगर उद्घाटन करते तो उसको समापन भी करते कि पूरा कंप्लीट करना है। जी, कंप्लीट करना है। जी, आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो लक्ष्य रखा गया था या 25,000 महिलाओं का, लेकिन महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी चली जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी की महिलाओं के बीच इस लोकप्रियता का कारण क्या है? ये मोदी जी की खुद की उनकी क्वालिटी है कि उनके बोलने की जरूरत ही नहीं है, महिलाएं उनके पीछे खुद ही उनकी वो दीवानी है, उनके कार्य को देख के और जो उनको सम्मान जो महिलाओं को उनको मिलने दिलाया है उसी की वजह से ये महिलाएं आज उनके लिए इतना मिलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित हैं। और आपको लगता है कि महिला सुरक्षा के मामले में मोदी जी सही काम कर रहे हैं? बहुत सही काम किया है, तभी तो आज महिलाएं इतनी, आज आप खुद संख्या देख के कह सकते हैं कि आज महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है, प्रधानमंत्री जी भी आज संवाद कर रहे हैं महिलाओं से, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव तो एक तरफा चुनाव है, मोदी जी ही आएंगे, बिल्कुल आना ही है मोदी जी को। तो ऐसा विश्वास क्यों है कि मोदी जी को ही आना है? क्योंकि मोदी जी ने अपनी ऐसी पहचान बना दी है हर एक महिलाओं के लिए, तो इतना मोदी जी का क्रेज है, ये भीड़ देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम लोग भी इतनी भरी दोपहर में 2 बजे के आए हुए हैं, खाना पीना लेके यहीं बैठ के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कब मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, इतना क्रेज है मोदी जी के लिए हम लोगों का। और खास बात ये दिखती है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने जो महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, सुरक्षा के लिए काम किया है, तो आप मानती हैं कि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, हम लोग बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आज तक हम लोग कभी किसी रैली में या किसी नेता परेता के उसमें नहीं गए, मोदी जी के ही इसमें पिछली बार भी हम लोग आए थे और इस बार भी आए, और अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई सुरक्षा हमारे साथ हो चाहे ना हो, लेकिन इतना विश्वास है मोदी जी पे कि हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से आए और अच्छे से चले जाएंगे। और महिला सुरक्षा खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो आपको लगता है कि जब से मोदी जी योगी जी की सरकार आई है महिला सुरक्षा के मामले में स्थिति अच्छी हुई है, शाम को रात को आप लोग आराम से निकल पाते हैं? ये तो बिल्कुल है, हम लोग तो कभी निकले ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मुझे याद नहीं है जब से मोदी आए हैं तभी मैंने वोट दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात। इससे पहले तो हमारे यहाँ कर्फ्यू लग जाता था कि भाई इलेक्शन का समय है, आप लोग को घर से बाहर निकलना नहीं है, इवन के जेंट्स भी बहुत जल्दी अंदर आ जाते थे और हम लोग तो लेडीज़ तो कभी बाहर ही नहीं गए। मुझे तो ये लगता है मोदी जी के शासन में उनके राजकाल में ही हमने वोट दिया है। हमारे चार जो लोग जमा होते तो मन करता है हम लोग प्रचार करें मोदी जी के लिए, अगर कोई ऑपोजिट है तो उसको समझाएं कि देखो मोदी जी की ये उपलब्धियां हैं, मतलब मन करता है जब टाइम मिले निकल जाएं इसी काम के लिए। आज ये स्थिति है हमारी, खासतौर पे बच्चियों को स्कूल भेजने में कॉलेज भेजने में अब सुरक्षा महसूस रहती है, रात को 12 बजे भी लड़कियां अगर निकली तो सुरक्षा तो कह नहीं सकते, इतनी अच्छी योगी राज में और मोदी राज में सुरक्षा है भैया, कोई डर नहीं। तो हम लोग 9-10 बजे बुलडोजर पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, एक वो गाँव योगी बिना मोदी बिना विकास कहाँ रे, मोदी बिना विकास कहाँ रे, योगी बिना चैन कहाँ रे, योगी बिना चैन कहाँ रे, कांग्रेस नहीं सपा नहीं, कांग्रेस नहीं सपा नहीं, मोदी तो मिला, हाँ मोदी तो मिला, आजा वोट दे, आजा वोट दे, आजा वोट कर दे। बहुत बहुत सुंदर अंदाज में आप लोगों ने बहुत खूबसूरत संदेश भी दिया है, और प्रधानमंत्री के तौर पर ये पहली बार दिख रहा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री महिलाओं से सीधा संवाद कर रहा है, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने पहल नहीं की, कैसे देखती हैं आप इसको? ये हम बहुत सम्मान के लिए सोचते हैं अपने लिए कि महिलाओं को मतलब उन्होंने इतना सम्मान दिया है कि मतलब महिलाओं से आमने सामने बातचीत करेंगे आज जी। और देख रहे हैं आप इतनी भीड़ उमड़ी एकदम से, तो वो महिलाओं समान सुरक्षा किसी भी से ले लीजिए आप,
सब में वो आगे हैं मोदी जी। अभी आपने कहा कि मेरे का मन करता है कि मैं प्रचार करूं मोदी जी का, मोदी जी ने महिलाओं को स्त्री शक्ति जो वंदन विधेयक है वो लेकर पास कराया संसद में, और हो सकता है कि अगले चुनाव में आप में से भी कोई लड़ रहा हो उम्मीदवार के तौर पर, तो आप लोगों को जो आरक्षण मिला है संसद में और विधानसभाओं में, ये जो शक्ति मिली है देश की महिलाओं को, इसको कैसे देखती हैं? ये मोदी जी ने करके दिखाया, बहुत लंबे समय से आज़ादी के बाद से सब कुछ सिर्फ मांग की जा रही थी। देखिए सीधी सी स्पष्ट एक ही बात है कि मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया, आज महिलाएं गर्व से अपना सर ऊंचा करके चल सकती है। जैसा कि आपने कहा कि ऐसे कभी नहीं देखी है किसी प्रधानमंत्री ने, ये हर कार्य ही ऐसा होता है जो मोदी जी पहली बार करते हैं, मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, और आगे फिर बाबा है ही हमारे। और देखिए तो विश्व में आज हमारे भारत का कहीं योगदान नहीं था, जो आज देखा जाए तो उसके दृष्टि से तीसरे नंबर पे हमारा भारत है, तो ये योगी मोदी जी की ही योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। और यही नहीं, हर कार्य है, चाहे आप विकास देखो, सारे इनके ही राज में हो रहा है। मतलब कभी भी अगर हम लोग रैली में जाने के लिए कह दें या कहीं, तो हम लोग के घर के जेंट्स कभी अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मोदी जी की जैसे ही पता, अब तो आप लोगों का पूरा दिन गया, आज तो गया, सब कुछ खत्म है मोदी जी के पीछे। लेकिन एक सवाल और बनता है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी से तो महिलाएं नाराज है क्योंकि उन्होंने उनकी किचन का बजट बिगाड़ दिया है। विपक्ष है भी क्या, हम लोग तो जानते ही नहीं है कि कोई है जो पिछले 70 साल में कुछ नहीं कर सके और वो आज इतना बोल रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये देखिए ना कि आज इंडिया बन के भी इनकी गठबंधन सरकार भी क्या कर रही है, वो एक दूसरों को ही लात दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो तो वो कह रहा है उसको मत दो, जेडीओ को मत दो, तो विपक्ष कौन है? बस यही पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो 10 साल में मोदी जी ने किया, और बनारस के लिए तो इतना कुछ किया कि आज बनारस आने के लिए हर व्यक्ति तड़प रहा है, बनारस को लोग जानने लगे जो कभी जानते नहीं थे। एक चीज़ और कि जब प्रधानमंत्री जी ने नामांकन भरा उस समय उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि ये मेरा पहला चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना नामांकन भर रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको जो देश की मातृशक्ति है वो आशीर्वाद दे रही है? प्रधानमंत्री जी की माँ भले ही इस धरा पे नहीं हो लेकिन देश की माताएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। सारी माताएं मोदी जी को आशीर्वाद देने ही आई है और उनका लेने भी आई है, ऐसी है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कहा भी था, अभी वो बोर्ड पे उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि बहुत आग भी भर गए थे आंसुओं से कि मैं, मेरी सारी जितनी बहनें हैं वो सारी माँ का ही मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, उन्होंने ये बात का स्पष्टीकरण किया। वो सारी बहनों में माँ का ही रूप देखते हैं, हर बहन को, हर लेडीज को वो माँ के ही रूप में देखते हैं। अब लेकिन आप लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक लग रहे हैं, इसलिए एक सवाल और पूछता हूँ कि हम देश भर की यात्रा कर रहे हैं, एक चीज़ देखने को मिलती है कि पुरुष का मत विभाजित हो सकता है लेकिन महिलाओं का मत कहीं विभाजित नहीं है, सिर्फ मोदी जी के साथ है, ऐसा क्यों? हम लोग अपने घर में तो कभी मत विभाजित होने नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, हम अलग हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी को महिलाएं अगर जागरूक है तो पुरुष कभी इधर उधर नहीं हिल सकते, उनको देना ही पड़ेगा, अगर उनको घर की शांति चाहिए तो देना ही पड़ेगा। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने शांति की भी अपील की है और मतदान की भी अपील की है, देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो क्या रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।